डिफेंस में आत्मनिर्भर बन चुके भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। खुद अपनी जमीन पर हथियार बनाने की शुरुआत कर चुके हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य ताकत तो कई गुना बढ़ा दी है, लेकिन अब दुनिया के कई देश भी हिंदुस्तान से हथियार और डिफेंस उपकरण खरीदना चाहते हैं। भारत में बना एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर इसी की ताजा मिसाल है। फिलीपींस भारत के शानदार और जानदार हेलीकॉप्टर को खरीदने की तैयारी में है। फिलीपींस इससे पहले भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की डील भी कर चुका है। इसके अलावा हाल ही में मलेशिया ने भारत के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने में रुचि भी दिखाई थी और अब एएलएच को खरीदने में फिलीपींस की दिलचस्पी से एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि दुनिया अब मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत को पहचानने लग गई है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। आसमान का ताकतवर योद्धा, आधुनिक तकनीक की मिसाल, रफ्तार का बादशाह, सर्विलांस में बेमिसाल, ये है हिंदुस्तान का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएचएल। बात चाहे सरहदों के हिफाजत की हो या समंदर में निगरानी की, मुश्किल हालात में सैनिकों को कहीं पहुंचाना हो या फिर दुश्मन को निस्तेनाबूद करना हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बनाए हुए इस हेलीकॉप्टर में हर वो खूबी है जो इस युद्ध के मैदान में उसे ऑलराउंडर बनाती है। हिंदुस्तान में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद अब आसमान का ये प्रहरी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए निकल पड़ा है। एएचएल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और यही वजह है कि अब दूसरे देशों की सेनाएं भी इस शानदार और जानदार हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती हैं। फिलीपींस हिंदुस्तान से यह एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए 37.5 करोड़ डॉलर के सौदे पर मुहर लगने के कुछ ही महीने बाद ही फिलीपींस ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के एएचएल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी एचएएल ने इसे स्वदेशी तकनीक पर देश में ही तैयार किया है। ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और ये बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल काफ़ी एक्सटेंसिवली हो रहा है भारत के अंदर और इसका एक आम वर्जन जो है वो है जो रुद्रा, जिसके अंदर 70 mm कैनन भी है, रॉकेट्स भी हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास रुद्रा भी हो रहा है और ध्रुव भी हो रहा है और दोनों जो हेलीकॉप्टर हैं बहुत ही आधुनिक हैं। इनके पास डे नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है और ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि फिलीपींस भारत से कितने एएचएल खरीदेगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि डील कम से कम 7 हेलीकॉप्टरों के एक बैच की होगी। बहुत जल्द दोनों देश हेलीकॉप्टरों की इस डील पर समझौता कर सकते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसके इस्तेमाल का दायरा बहुत बड़ा है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। इसे बैड वेदर में ऑल वेदर कैपेबिलिटी है, बैड वेदर में जा सकता है। ये ट्रुप को कैरी कर सकता है, यानी कि एक ट्रोली को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकता है, जैसे स्पेशल फोर्सेस को या दूसरी ट्रोली को ले जा सकता है। ये वेपनाइज भी है
और ये कम्युनिकेशन फ्लाइट भी कर सकता है, कैजुअलिटी वैकेशन कर सकता है, ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में काम कर सकता है। ये बहुत ही वर्सेटाइल सा एक हमारा हेलीकॉप्टर है। फिलहाल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के दो वेरिएंट भारतीय सेना में शामिल हैं। युद्ध के लिए इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की शक्ल दी जाती है, जबकि सर्च सर्विलांस के लिए इसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में बदला जा सकता है। इसे वीआईपी मूवमेंट और आपदा के वक्त राहत कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। जवानों को फौरन कहीं पहुंचाने में ये बेहद कारगर साबित होता है। इसके साथ ही ये दुश्मन पर हमला बोलने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस हो सकता है। बरसों की मेहनत के बाद एचएएल ने इस हेलीकॉप्टर को तमाम खूबियों से लैस कर दिया है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की है, जबकि ये एक बार में बिना रुके 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लगा हुआ है। इसकी मदद से टारगेट को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड भी लगे हुए हैं, जिससे समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है, जबकि जरूरत पड़ने पर इसमें भारी मशीन गन भी लगाई जा सकती है। वैसे तो एचएएल ने इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है, और अब ये हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस हेलीकॉप्टर को इसराइल ने भारत से लीज पर लिया था। मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स भी इस हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। यह हेलीकॉप्टर मॉरिशस की सेना का भी ताकत बना हुआ है। नेपाल की आर्मी एयर सर्विस में भी यह हेलीकॉप्टर तैनात है। लेकिन बात अगर फिलीपींस की करें तो समुद्री देश दक्षिण चीन सागर में पिछले कई दशकों से चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों का सामना कर रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में समुद्री सीमा से जुड़ी कई और चुनौतियां फिलीपींस के सामने हैं। यही वजह है कि फिलीपींस इन दिनों अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर फोकस कर रहा है। इसी के चलते फिलीपींस ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने के लिए एएचएल के बेड़े की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही ये हेलीकॉप्टर समुद्री सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। समंदर में किसी आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकालने में यह हेलीकॉप्टर बेहद मददगार साबित होता है। चूंकि फिलीपींस की सीमा हरोर से समंदर से घिरी है, ऐसे में फिलीपींस की सेना के लिए भारत का यह हेलीकॉप्टर बड़े काम का साबित हो सकता है। भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाला ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इसी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर का नया रूप है। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तकनीक और ताकत के बेजोड़ मेल से बना ये वो हथियार है जो पूरी दुनिया में भारत के दम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत के मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस को खरीदने में मलेशिया ने दिलचस्पी दिखाई है। जल्द ही भारत और मलेशिया के बीच में ये रक्षा करार हो सकता है। बड़ी बात यह है कि तेजस को ये तवज्जो उसने चीन और रूस के लड़ाकू विमानों से ऊपर रखते हुए दी है। रूस और चीन के फाइटर प्लेन्स की जगह तेजस को तरजीह मिलना भारत की एक बड़ी कामयाबी है। दरअसल भारत का तेजस ही है बेमिसाल। हवा से तेज, वज्र सा मजबूत, यूं समझिए कि दुश्मन के लिए काल है तेजस। लेकिन अब भारत अपने इस शक्तिमान एयरक्राफ्ट को और भी ताकतवर और भी घातक बनाने में जुट गया है। एएचएल से पहले भारत का तेजस भी अपनी क्षमताओं से दुनिया को मुरीद बना चुका है। अभी हाल ही में मलेशिया ने मेड इन इंडिया तेजस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और मलेशिया के बीच जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। बड़ी बात यह है कि तेजस ने ये बाजी रूस, चीन, दक्षिण कोरिया के फाइटर प्लेन्स को पछाड़कर हासिल की है।
रक्षा सौदे की इस रेस में तेजस के मुकाबले रूस का मिग 35 और याक 130 युद्धक विमान शामिल था। चीन का जेएफ 17 भी रेस में था। दक्षिण कोरिया का FA-50 भी रेस में बना हुआ था। लेकिन इन तीनों देश के फाइटर जेट्स को पछाड़कर भारत के तेजस ने बाजी मारी है। तीनों देशों के फाइटर प्लेन से मिली कड़ी चुनौतियों के बावजूद तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना है। तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया है, जिसका दावा है कि भले ही चीन का जेएफ 17 फाइटर तेजस के मुकाबले सस्ता है, लेकिन इसकी खूबियों के आगे वो कहीं नहीं टिकता। तेजस के बारे में कहा जाता है कि ये कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है, तेज है, घातक है और अत्याधुनिक है। जानकार भी मानते हैं कि इसकी खूबी रक्षा सौदे के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण बनाती है। भारत पहले ही स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के 2 स्क्वाड्रन्स को सेना में एक्टिवेट कर चुका है। अगले एक साल में 4 और स्क्वाड्रन सेना को सौंप दिए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं तेजस की वो ताकत जिसकी वजह से युद्धक विमान MiG-21 की जगह लेने वाला है, जिन्हें हमारी सेना अब तक इस्तेमाल करती आई है और जिस वजह से तेजस मलेशिया की पसंद बन गया। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल से लैस है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियो। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। लेकिन अब तेजस को और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने की मुहिम जारी है, यानी तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 जल्द ही वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। तेजस मार्क 2 फाइटर मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस है। एयरक्राफ्ट का नया वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। इसमें मिराज 2000 की तरह लेजर गाइडेड बम भी फिट होंगे। इससे नया तेजस दुश्मन पर हवा से लेकर जमीन तक हमला कर सकेगा। तेजस मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 2 तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से बेहद बेहतर है। तेजस मार्क 2 की फ्लाइंग रेंज 1850 किलोमीटर है, जबकि तेजस मार्क 2 एक बार में 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अगर बात टॉप स्पीड की करें तो तेजस मार्क 1 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, जबकि तेजस मार्क 2 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 1 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जबकि तेजस मार्क 2 56,758 फीट की ऊंचाई को हासिल कर सकता है। तेजस मार्क 1 में 8 जबकि मार्क 2 में 11 हार्ड पॉइंट बनाए गए हैं। बात अगर पेलोड क्षमता की करें, तेजस मार्क 1 का पेलोड 5300 किलोग्राम है, जबकि तेजस मार्क 2 में पेलोड क्षमता को बढ़ाकर 6500 किलोग्राम कर दिया गया है। तेजस मार्क 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में है, जबकि मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर्स की श्रेणी में रखा गया है। नए मॉडल में विमान के विंग्स को आगे दोनों ओर कनॉट दिए गए हैं, जिससे विमान दुश्मन की फायरिंग अटैक से बच सकेगा। यह खासियत तेजस के मौजूदा वर्जन यानी मार्क 1 में नहीं था। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, यानी इस पर पीछे से कोई मिसाइल अटैक करेगी तो विमान बैक साइड से इतना घना धुआं छोड़ेगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और उसका निशाना चूक जाएगा। तेजस मार्क 2 की यह सारी खूबियां उसे दुश्मन पर और ज्यादा आक्रामक बना देंगी, यानी भारत में इस आसमानी योद्धा की ताकत में
और इजाफा होने के बाद ये भारतीय वायुसेना के तरकश का वो तीर बन जाएगा जिसका खौफ दुश्मन और उसके इरादों को अपनी हद में रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एएलएच और तेजस की डील का फाइनल होना डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर में भारत के लिए एक ऊंची छलांग साबित होगा और पिछले कुछ सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा से जुड़ा निर्यात तेजी के साथ आगे बढ़ा है। डिफेंस सेक्टर में भारत का मेक इन इंडिया मंत्र पूरे जोर शोर के साथ चल रहा है और अब भारत एक ऐसे टारगेट की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है जब सेना सिर्फ वही हथियार चलाएगी जो मेड इन इंडिया होंगे। भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। देश के प्रधानमंत्री ने 18 जुलाई को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन कार्यक्रम में जो रास्ता दिखाया, देश पिछले कुछ साल से उसी रास्ते पर चल रहा है। चाहे आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण हो या ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण या फिर सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट या सुखोई फाइटर जेट के लिए स्वदेशी ट्रैकिंग सिस्टम बनाने के लिए किया गया फरार, भारत की ताकत की ये वो चंद तस्वीरें हैं जो रक्षा क्षेत्र में भारत की तेजी से बढ़ती आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। यानी इन हथियारों को मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बनाया जा रहा है। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार अगर 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। रक्षा आयात में 21% की कमी का मतलब है सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत। तो वहीं अगर डिफेंस सेक्टर के निर्यात पर नजर डालें तो 2021-22 में भारत ने कुल 11,607 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, जिसके चलते हथियारों के निर्यातक देशों में लगातार भारत की धाक बढ़ी है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है और आज भारत दुनिया के 72 देशों को हथियार बेच रहा है। इसके लिए भारत अपने यहाँ 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टॉप 100 रक्षा कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल रही। ये कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और हाल ही में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया है। हालांकि भारत ने एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जो परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों से ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इन्हें देश में तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। भारत में अब तक 156 डिफेंस उपकरणों को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसमें सबसे पहला नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का है। इस लिस्ट में कई मिसाइल शामिल हैं, जैसे हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल,
सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी सेना की तीनों कमांड्स के लिए ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी इस लिस्ट में शामिल है। बात अगर बैटल टैंक की करें तो अर्जुन मार्क 1A अपग्रेडेड टैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स पर नजर डालें तो एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम को भी एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। इसके अलावा भारत की इस लिस्ट में अब एंटी टैंक माइन और विस्फोटक, 19 एयरोनॉटिकल सिस्टम, 41 अस्त्र और कॉम्बैट सिस्टम, 4 मिसाइल सिस्टम, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, 10 लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम, 28 नेवल सिस्टम, 16 न्यूक्लियर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है। भारत ने अगले 5 वर्षों में हथियारों के निर्माण में 1,75,000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की इस पहल से एक तरफ देश की ताकत लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस ताकत से दुनिया में भारत की धाक भी जम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।